नमस्कार भक्तजनों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। चलिए अब सुनते हैं गर्ग संहिता का 15वां अध्याय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। यशोदा द्वारा श्री कृष्ण के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन, नंद और यशोदा जी के पूर्व पुण्य का परिचय, गर्गाचार्य का नंद भवन में जाकर बलराम और श्री कृष्ण जी के नामकरण संस्कार करना तथा वृषभानु के यहाँ जाकर उन्हें श्री राधा कृष्ण के नित्य संबंध एवं महात्म्य का ज्ञान कराना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन सांवले सलोने बालक श्री कृष्ण सोने के लिए रत्न जटित पालने पर सोए हुए थे। उनके मुख पर लोगों के मन को मोहने वाले मंद हास्य की छटा छा रही थी। दृष्टिजनित पीड़ा के निवारण के लिए नंद नंदन के ललाट पर काजल का डिठौना शोभा पा रहा था। कमल के समान सुंदर नेत्रों में काजल लगा था। अपने इस सुंदर लाला को मैया यशोदा ने गोद में ले लिया। वे बाल मुकुंद पैर का अंगूठा चूस रहे थे। उनका स्वभाव चपल था। नील नूतन कोमल एवं घुंघराले केशबंधों से उनकी अंगछटा अद्भुत जान पड़ती थी। वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह वघन रखा तथा चमकीला अर्धचंद्र नामक आभूषण शोभा दे रहे थे। अपार दयामयी गोपी श्री यशोदा अपने उस लाला को लाड़ लड़ाती हुई बड़े आनंद का अनुभव कर रही थी। राजन, बालक श्री कृष्ण दूध पी चुके थे। उन्हें जम्हाई आ रही थी। माता की दृष्टि उधर पड़ी तो उनके मुख से पृथ्वी व्याधि पांच तत्वों सहित संपूर्ण विराट ब्रह्मांड तथा इंद्र प्रभृति श्रेष्ठ देवता दृष्टिगोचर हुए। तब श्री यशोदा के मन में त्रास छा गया, अतः उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। महाराज, परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। उनकी ही माया से संपूर्ण संसार सत्तावान बना है। उसी माया के प्रभाव से यशोदा जी की स्मृति टिक न सकी। फिर अपने बालक श्री कृष्ण पर उनका वात्सल्यपूर्ण दया भाव उत्पन्न हो गया। ओहो, श्री नंद रानी के तप का वर्णन कहाँ तक करूँ? श्री भोलाश्व ने पूछा, मुनिवर, नंद जी ने यशोदा के साथ कौन सा महान तप किया था जिसके प्रभाव से भगवान श्री कृष्णचंद्र उनके यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए? श्री नारद जी ने कहा, 8 वसुओं में प्रधान जो द्रोण नामक वसु है, उसकी स्त्री का नाम धरा है। उन्हें संतान नहीं थी। वे भगवान श्री विष्णु के परम भक्त थे। देवताओं के राज का भी पालन करते थे। राजन, एक समय पुत्र की अभिलाषा होने पर ब्रह्मा जी के आदेश से वे अपने सहधर्मिणी धरा के साथ तप करने के लिए मंदराचल पर्वत पर गए। वहां उन्होंने दोनों दंपति कंद मूल फल खाकर अथवा सूखे पत्ते चबाकर तपस्या करते थे। बाद में जल के आधार पर उनका जीवन चलने लगा। तदंतर उन्होंने जल पीना भी बंद कर दिया। इस प्रकार जन्य शून्य देश में उनकी तपस्या चलने लगी। उन्हें तप करते जब 10 करोड़ वर्ष बीत गए, तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर आए और बोले, वर मांगो। उस समय उनके ऊपर दिमके चढ़ गई थी, अतः उन्हें हटाकर द्रोण अपनी पत्नी के साथ बाहर निकले। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और विधिवत उनकी पूजा की। उनका मन आनंद से उल्लासित हो उठा। वे उन प्रभु से बोले, श्री द्रोण ने कहा, ब्राह्मण, विदेह परिपूर्णतम जनार्दन भगवान विष्णु मेरे पुत्र हो जाएं और उनमें हम दोनों की प्रेम लक्षणा भक्ति सदा बनी रहे, जिसके प्रभाव से मनुष्य दुर्लभंग भवसागर को सहज ही पार कर जाता है। हम दोनों तपस्वी जनों को दूसरा कोई वर अभिलषित नहीं है। श्री ब्रह्मा जी बोले, तुम लोगों ने मुझसे जो वर मांगा है वह कठिनाई से पूर्ण होने वाला और अत्यंत दुर्लभ है। फिर भी दूसरे जन्म में तुम लोगों की अभिलाषा पूरी होगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वे द्रोण ही इस पृथ्वी पर नंद हुए और धरा ही यशोदा नाम से विख्यात हुई। श्री ब्रह्मा जी की वाणी शक्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण पिता वसुदेव जी की पूरी मथुरा से ब्रज में पधारे थे। भगवान श्री कृष्ण का शुभ चरित्र सुधा निर्मित खाड़ से भी अधिक मीठा है। गंधमादन पर्वत के शिखर पर भगवान नर नारायण के श्रीमुख से मैंने इसे सुना है। उनकी कृपा से मैं कृतार्थ हो गया। वही कथा मैंने तुमसे कही है, अब और क्या सुनना चाहते हो? श्री बहुलाश्व ने पूछा, महामुनि, शिशु रूप धारी उस सनातन पुरुष
भगवान श्री हरि ने बलराम जी के साथ कौन कौन सी लीलाएं की यह मुझे बताइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन एक दिन वसुदेव जी के भेजे हुए महामुनि गर्गाचार्य अपने शिष्यों के साथ नंद भवन में पधारे। नंद जी ने पाद्य आदि उत्तम उपचारों द्वारा मुनिश्रेष्ठ गर्ग जी की विधिवत पूजा की और प्रदक्षिणा करके उन्हें सष्टांग प्रणाम किया। नंद जी बोले, आज हमारे पितर देवता और अग्नि सभी संतुष्ट हो गए। आपके चरणों की धूलि पड़ने से हमारा घर परम पवित्र हो गया। महामुनि आप मेरे बालक का नामकरण कीजिए। विप्रवर प्रभु, अनेक पुण्यों और तीर्थों का सेवन करने पर भी आपका शुभागमन सुलभ नहीं होता। श्री गर्ग जी ने कहा, नंद राय जी मैं तुम्हारे पुत्र का नामकरण करूँगा, इसमें संशय नहीं है, किंतु कुछ पूर्व काल की बात बताऊँगा, अतः एकांत स्थान में चलो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन तदंतर गर्ग जी नंद यशोदा तथा दोनों बालक श्री कृष्ण एवं बलराम को साथ लेकर गौशाला में जहाँ दूसरा कोई नहीं था चले गए। वहाँ उन्होंने उन बालकों का नामकरण संस्कार किया। सर्वप्रथम उन्होंने गणेश आदि देवताओं का पूजन किया, फिर यत्नपूर्वक ग्रहों का शोधन करके हर्ष से पुलकित हो महामुनि गर्गाचार्य नंद से बोले। गर्ग जी ने कहा, ये जो रोहिणी के पुत्र हैं इनका नाम बताता हूँ, सुनो। इनमें योगी जन रमन करते हैं अथवा ये सब में रमते हैं, या अपने गुणों द्वारा भक्तजनों के मन को रमाया करते हैं। इन कारणों से उत्कृष्ट ज्ञानी जन इन्हें राम नाम से जानते हैं। योग माया द्वारा गर्भ का संकर्षण होने से इनका प्रादुर्भाव हुआ है, अतः ये संकर्षक नाम से विख्यात होंगे। अशेष जगत का संहार होने पर भी ये शेष रह जाते हैं, अतः इन्हें लोग शेष नाम से जानते हैं। सबसे अधिक बलवान होने से ये बल नाम से विख्यात होंगे। नंद अब अपने पुत्र के नाम सावधानी के साथ सुनो। ये सभी नाम तत्काल प्राणी मात्र को पावन करने वाले तथा चराचर समस्त जगत के लिए परम कल्याणकारी है। क का अर्थ है कमलाकांत, री का अर्थ है राम, श्व अक्षर षड्विद ऐश्वर्य के स्वामी श्वेत द्वीप निवासी भगवान विष्णु का वाचक है। न नरसिंह का प्रतीक है और अकार अक्षर अग्निभूप अग्नि रूप से भविष्य के भोक्ता अथवा अग्निदेव के रक्षक का वाचक है, तथा दोनों विसर्ग रूप बिंदु नर नारायण के बोधक हैं। ये छह पूर्ण तत्व जिस महामंत्र रूप परिपूर्णतम शब्द में लीन है, वह इसकी व्युत्पत्ति के कारण कृष्ण कहा गया है। अतः इस बालक का नाम कृष्ण है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन युगों में इन्होंने शुक, रक्त, पीत तथा किश कांति ग्रहण की है। द्वापर के अंत और कलि के आदि में यह बालक कृष्ण अंग कांति को प्राप्त हुआ है, इस कारण से भी यह नंद नंदन कृष्ण नाम से विख्यात होगा। इनका एक नाम वासुदेव भी है। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है, वशु नाम है इंद्रियों का, इनका देवता है चित्त। उस चित्त में स्थित रहकर जो चेष्टाशील है उस अंतर्यामी भगवान को वासुदेव कहते हैं। वृषभानु की पुत्री राधा जो कीर्ति के भवन में प्रकट हुई है, उनके ये साक्षात प्राणनाथ बनेंगे। अतः इनका एक नाम राधापति भी है, जो साक्षात परिपूर्णतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र है। असंख्य ब्रह्मांड जिनके अधीन है और जो गोलोक धाम में विराजते हैं, वे ही परम प्रभु तुम्हारे यहाँ बालक रूप में प्रकट हुए हैं। पृथ्वी का भार उतारकर कंस आदि दुष्टों का संहार करना और भक्तों की रक्षा करना, यही इनके अवतार के उद्देश्य हैं। भरत वंशोद्भव नंद, इनके नामों का अंत नहीं है। ये सब नाम वेदों में गूढ़ रूप में कहे गए हैं। इनकी लीलाओं के कारण भी उन कर्मों के अनुसार इनके नाम विख्यात होंगे। इनके अद्भुत कर्मों को लेकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तुम्हारा अहोभाग्य है, क्योंकि जो साक्षात परिपूर्णतम परात्पर श्री पुरुषोत्तम प्रभु है, वे तुम्हारे घर पुत्र रूप में शोभा पा रहे हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन यूँ कहकर श्री गर्ग जी जब चले गए, तब प्रमुदित हुए महामती
नंद राय ने यशोदा सहित अपने को पूर्ण काम एवं कृतकृत माना। तदंतर ज्ञानी शिरोमणि ज्ञान माता मुनिश्रेष्ठ श्री गर्ग जी यमुना तट पर सुशोभित विश्वानु जी की पुरी में पधारे। छात्र धारण करने से वे दूसरे इंद्र की तथा दंड धारण करने से साक्षात धर्मराज की भांति सुशोभित होते थे। साक्षात दूसरे सूर्य की भांति वे अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। पुस्तक तथा मिथिला से युक्त विप्रवर गर्ग दूसरे ब्रह्मा की भांति प्रतीत होते थे। शुक्र वस्त्रों से सुशोभित होने के कारण वे भगवान विष्णु की से शोभा पाते थे। उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर विश्वानु जी ने तुरंत उठकर अत्यंत आदर के साथ सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गए। पूजनोपचार के ज्ञाता विश्वानु ने मुनि को एक मंगलमय आसन पर बिठाकर पाद्य आदि के द्वारा उन ज्ञानी शिरोमणि गर्ग का विधिवत पूजन किया। फिर उनकी परिक्रमा करके महान विश्वानुवर इस प्रकार बोले। श्री विश्वानु ने कहा, संत पुरुषों का विचरण शांतिमय है क्योंकि वह गृहस्थ जनों को परम शांति प्रदान करने वाला है। मनुष्यों के भीतरी अंधकार का नाश महात्मा जन ही करते हैं, सूर्यदेव नहीं। भगवान आपका दर्शन पाकर हम सभी गोप पवित्र हो गए। भूमंडल पर आप जैसे साधु महात्मा पुरुष तीर्थों का भी पावन बनाने वाले होते हैं। मुनि, मेरे यहाँ एक कन्या हुई है जो मंगल की धाम है और जिसका राधिका नाम है। आप भली भांति विचार कर यह बताने की कृपा कीजिए कि इसका सुविवाह किसके साथ किया जाए। सूर्य की भांति आप तीनों लोकों में विचरण करते हैं। आप दिव्य दर्शन हैं, जो इसके अनुरूप सुयोग्य वर होगा उसी के हाथ में इस कल्याणमय कन्या को दूंगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर मुनिवर श्री गर्ग जी विश्वानु जी का हाथ पकड़े यमुना के तट पर गए। वहाँ एक निर्जन और अत्यंत सुंदर स्थान था। वहाँ कालिंदनी जल की कलोल मालाओं की कलकल ध्वनि सदा गुंजती रहती थी। वहीं गोपेश्वर विश्वानु को बैठा कर धर्मज्ञ मुनिन्द्र गर्ग इस प्रकार कहने लगे। श्री गर्ग जी बोले, विश्वानु जी, एक गुप्त बात है, यह तुमसे किसी से नहीं कहनी चाहिए। जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति गोलोक धाम के स्वामी परात्पर तथा साक्षात परिपूर्णतम हैं, जिनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है, स्वयं वे ही भगवान श्री कृष्ण नंद के घर में प्रकट हुए हैं। श्री विश्वानु ने कहा, महामुनि, नंद जी का भी भाग्य अद्भुत है, धन्य एवं अवर्णनीय है। अब आप भगवान श्री कृष्ण के अवतार का संपूर्ण कारण मुझे बताइए। श्री गर्ग जी बोले, पृथ्वी का भार उतारने और कंस आदि दुष्टों का विनाश करने के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। उन्हीं परम प्रभु श्री कृष्ण की पटरानी जो प्रिया श्री राधिका जी गोलोक धाम में विराजती हैं, वे ही तुम्हारे घर पुत्री रूप में प्रकट हुई हैं। तुम उन पराशक्ति राधिका को नहीं जानते। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस समय गोप विश्वानु के मन में आनंद की बाढ़ आ गई और वे अत्यंत विस्मित हो गए। उन्होंने कलावती को बुलाकर उनके साथ विचार किया। पुनः श्री राधा कृष्ण के प्रभाव को जानकर गोपवर विश्वानु आनंद के आंसू बहाते हुए पुनः महामुनि गर्ग से कहने लगे। श्री विश्वानु ने कहा, द्विजवर, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को मैं अपनी यह कमलनयनी कन्या समर्पण करूंगा। आपने ही मुझे यह सन्मार्ग दिखलाया है, अतः आपके द्वारा ही इनका शुभ विवाह संस्कार संपन्न होना चाहिए। श्री गर्ग जी ने कहा, राजन, श्री राधा और श्री कृष्ण का पाणी ग्रहण संस्कार मैं नहीं कराऊंगा। यमुना के तट पर भांडीर वन में इनका विवाह होगा। वृंदावन के निकट जन्य शून्य श्रम्य स्थान में स्वयं श्री ब्रह्मा जी पधार कर इन दोनों का विवाह कराएंगे। गोपर, तुम इन श्री राधा को भगवान श्री कृष्ण की बल्लभा समझो। संसार में राजाओं के शिरोमणि तुम हो और लोकों का शिरोमणि गोलोक धाम है। तुम संपूर्ण गोलोक धाम से ही इस भूमंडल पर आए हो। वैसे ही समस्त गोपियाँ भी श्री राधिका जी की आज्ञा मानकर गोलोक से आई हैं। बड़े बड़े यज्ञ करने पर देवताओं को भी अनेक जन्मों तक जिनकी झांकी सुलभ नहीं होती, उनके लिए भी जिनका दर्शन दुर्घट है, वे साक्षात श्री राधिका जी
तुम्हारे मंदिर के आंगन में गुप्त रूप से विराज रही हैं और बहुसंख्यक गोप और गोपियाँ उनका साक्षात दर्शन करती हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री राधिका जी और भगवान श्री कृष्ण का यह प्रशंसनीय प्रभाव सुनकर श्री विश्वानु और कीर्ति दोनों अत्यंत विस्मित तथा आनंद से आह्लादित हो उठे और गर्ग जी से कहने लगे। दंपत्ति बोले, ब्राह्मण, राधा शब्द की तात्विक व्याख्या बताइए। महामुनि, इस भूतल पर मन के संदेह को दूर करने वाला आपके समान दूसरा कोई नहीं है। श्री गर्ग जी ने कहा, एक समय की बात है, मैं गंधमादन पर्वत पर गया, साथ में शिष्य वर्ग भी थे। वहीं भगवान नारायण के श्रीमुख से मैंने शाम वेद का यह सारांश सुना है, रकार से रमा का, आकार से गोपिकाओं का, धकार से धरा का तथा आकार से विरजा नदी का ग्रहण होता है। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का सर्वोत्कृष्ट तेज चार रूपों में विभक्त हुआ, लीला, भू, श्री और विरजा, ये चार पत्नियां ही उनका चतुर्विध तेज है। ये सब की सब कुंज भवन में जाकर श्री राधिका जी के श्री विग्रह में लीन हो गई। इसीलिए विज्ञजन श्री राधा को परिपूर्णतमा कहते हैं। गोप जो मनुष्य बारंबार राधा कृष्ण के इस नाम का उच्चारण करते हैं, उन्हें चारों पदार्थ तो क्या साक्षात भगवान श्री कृष्ण भी सुलभ हो जाते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस समय भार्या सहित श्री विश्वानु के आश्चर्य की सीमा न रही। श्री राधा कृष्ण के दिव्य प्रभाव को जानकर वे आनंद के मूर्तिमान विग्रह बन गए। इस प्रकार श्री विश्वानु ने ज्ञानी शिरोमणि श्री गर्ग जी की पूजा की, तब ये सर्वज्ञ एवं त्रिकालदर्शी मुनिन्द्र गर्ग स्वयं अपने स्थान को पधारे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोकखंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में नंद पत्नी का विश्वरूप दर्शन तथा श्री कृष्ण बलराम का नामकरण संस्कार नामक 15वां अध्याय पूरा हुआ। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।